नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज, मैं हूं आकाश आपके साथ। बिहार कर्मचारी समावेशी शिक्षक संघ एवं नासेल्फ के तरफ से एक धरना चल रहा है, तो इस धरने में वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं, तो उनसे जानते हैं उनकी मांगे क्या हैं और सरकार इसको पूरा क्यों नहीं कर रही है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार मेरा नाम है। आप लोग समावेशी शिक्षक संघ वाले लोग क्यों धरने पर बैठे, इसका क्या? हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सामंजन की बात कही गई है, बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं सर, उसमें हम लोग विशेष शिक्षक के रूप में काम करते हैं यहाँ पर, और आज तक 14 साल से हमने काम किया है, तो कोई हम लोगों का मतलब बढ़ोतरी मानदेय नहीं किया आज तक, और ना कुछ आगे प्रक्रिया, हर साल रिन्यूअल का प्रक्रिया रखते हैं, हर साल परेशानी हम लोग को बढ़ती जा रही है। आज चपरासी से भी कम हम लोगों का वेतन है सर, हम लोगों का वेतन कम से कम जो सामान्य शिक्षक का मिलता है उससे भी ज्यादा होना चाहिए, जो नॉर्म्स है हमारा आरसीआई का गाइडलाइन के हिसाब से, उस हिसाब से हमको वेतन चाहिए, क्योंकि हमारा आरसीआई के ही रूल के हिसाब से काम किया जाता है हम लोग, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का परमानेंट सामंजन किया जाए सर। आपका क्या विचार है इसके ऊपर? जी, मेरा नाम अशोक कुमार त्रिवेदी हुआ, सुपौल जिला से हम आए हुए हैं। हम लोग लगभग 2005-07 से कार्य कर रहे हैं बिहार शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में, और जिस समय हमारी बहाली हुई थी उस समय उद्देश्य शिक्षा विभाग का था कि इन दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जाए, इनके जीवन में भी शिक्षा की रोशनी एक बार जगमगाए। हमारे विभाग में समावेशी शिक्षा के शिक्षक, पुनर्वास विशेषज्ञ जो उनको टेक्निकल सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट देते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, आर्डियोलॉजिस्ट, इनकी बहाली हुई। हम लोग 10-15 साल से कार्यरत हैं। पिछले साल माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 2016 से याचिका दायर थी उसमें जजमेंट आया कि जो भी विशेष शिक्षक या इस फील्ड में कर्मी पुनर्वास विशेषज्ञ कार्यरत है उनको किसी भी तरह से जो मुख्य धारा के शिक्षक हैं उनसे कम पेमेंट नहीं दिया जा सकता है। इसके बावजूद भी बिहार सरकार हम लोग का शोषण कर रही है और उसकी दमनकारी नीति के कारण हम लोगों को घरों से निकल के दिव्यांग बच्चों को उनके घरों में छोड़ के, अभी 3 दिसंबर है आगे, हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने अपने जिलों में करते हैं, हर जिले में कार्यक्रम होता है, फिर राज्य स्तर में होता है, प्रखंड स्तर में होता है, उसको छोड़ के मजबूरी में आके यहाँ बैठे हैं कि हमारी मांगों को माने, और हम लोगों को वेतन इतना कम दिया जाता है जो हमारे विभाग में, हमारे ही विभाग में जो आदेशपाल बहाल है उससे भी आधा पेमेंट हम लोगों को मिलता है। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हम लोगों को अतिशीघ्र सामंजित कर, और जो बिहार सरकार के सामान्य शिक्षकों की मुख्य धारा शिक्षक का वेतन है वो वेतन मान दिया जाए, तभी हम लोग अपनी ये हड़ताल वापस लेंगे। इस आंदोलन में आप कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? बिहार के सभी जिले से आए हुए हैं, बिहार के सभी जिले के आरटीआरपी जो है समावेशी शिक्षा संघ के तरफ से जो हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है, समायोजन समायोजन समायोजन, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं चाहिए, बस समायोजन हो जाए सारा हम लोग आंदोलन खत्म कर देंगे। मैम, आप लोग यहाँ धरना पर क्यों बैठी हैं? ये अनिश्चितकालीन धरना क्यों किया गया? अनिश्चितकालीन धरने पे हम लोग बैठे हैं सर, सबसे पहले हम सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हैं सभी लोग विशेष शिक्षक हैं। विशेष शिक्षक मीन्स हम लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, और हम सभी लोग आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद से हम सभी लोग ट्रेंड पर्सन हैं, और उसके बावजूद, ट्रेंड होने के बावजूद, समाज के ऐसे उपेक्षित बच्चे जिनको समाज की बात तो दूर कहिए, अपने घर के लोग जितना ध्यान नहीं देते हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं, और आज खुद हम ही लोग अपने नज़र में उपेक्षित हो चुके हैं, बहुत ही अल्प मानदेय पे हम लोग काम करने के लिए मजबूर है। पिछले 14-15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और आज भी बहुत न्यूनतम मानदेय हमें दिया जा रहा है, तो हम सभी लोग बहुत मजबूरी में आज इस अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। कई बार हम लोगों ने वार्ता करने का प्रयास किया, हमारी समस्या का जब कोई समाधान नहीं निकला तो हम लोगों ने इस अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने का निर्णय लिया है। आप क्या कहना चाहेंगी मैम इसके ऊपर? मेरा नाम अंजू कुमारी हुआ, हम लोग भी विगत 16 साल से यहाँ वर्क कर रहे हैं, और हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था तो सोचा था कि जो कोई कार्य नहीं कर रहा है उस कार्य को करने का जिम्मा हम लोगों ने लिया था, कि दिव्यांग बच्चे जो है समाज में उपेक्षित हो रहे हैं उसको जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे, निःशक्त को सशक्त बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग ही सारे निःशक्त हो गए हैं, और बात धो करके हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर आ गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ शिक्षक लोग जो आए हैं वो
फिजिकली चैलेंज और मेंटली चैलेंज बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके लिए यहाँ क्या आयोजन कर रहे हैं, पर उनका यह कहना है कि हम खुद अपने आप में एक फिजिकली चैलेंज या मेंटल चैलेंज की जैसे बच्चों की तरह उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और उनका यह साफ कहना है कि उनको अल्प मत दिया जा रहा है, समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो इसी तरह के वीडियो से आपको रूबरू कराते रहेंगे और इसके पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जाकर लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। तो इसी के साथ विदा लेते हैं अगले वीडियो के लिए।